ही अफसोस हुआ। लेकिन क्या बात है मेगाट्रॉन, तुम रुखसत हुए भी तो बड़े शान से। हाँ साउंड वेव, ऑडियो विजुअल शुरू करो, मैं सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। डिसेप्टिकॉन के महान लीडर लॉर्ड मेगाट्रॉन को खोने की वजह से हमारे मनसूबों को बड़ा ही धक्का लगा है। फिर भी हम खुद को इस गम में डूबने नहीं देंगे, हम उनकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे और उनकी सोच से भी बढ़कर एक बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। इजाजत हो तो कुछ कहूं कमांडर स्टार, लॉर्ड स्टार स्क्रीम। हाँ हाँ कहो क्या है। जब हम लॉर्ड मेगाट्रॉन की निगरानी में अर्थ पर कब्जा नहीं कर पाए तो अब हम ऑटोबॉट्स के होते हुए ऐसा कैसे कर पाएंगे? मेरी बात गौर से सुनो, मैं हजारों साल से मेगाट्रॉन के साथ रहा हूँ और मैंने उनसे सब कुछ सीखा है, इसीलिए मेगाट्रॉन का वारिस सिर्फ मैं ही हूँ। लॉर्ड स्टारस्क्रीम, तबाही का बादशाह। क्या सबके सब निठल्ले हैं? इस फौज में कोई भी ऐसा नहीं जो तबाही का नाम सुनते ही खुशी से झूम उठे। लेकिन हाँ, सुना है कि एक ऐसा काबिल योद्धा है और वो मौजूद है यहीं इसी प्लैनेट पर, और जो मेगाट्रॉन के रास्तों पर चलने वालों में से एक है। बहुत खूब। ऑप्टिमस, इतने उदास क्यों हो? ये प्लैनेट, बल्कि सभी प्लैनेट्स मेगाट्रॉन की दहशत से हमेशा के लिए आजाद हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं रैचेट, पर बात वो नहीं। बात ये है कि मैं मेगाट्रॉन को सुधारना चाहता था, ना कि उसका नामो निशान मिटाना। लेकिन ऑप्टिमस, उसकी बर्बादी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। जो हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद था। आई एम सॉरी, मैं जानता हूं कि एक समय तुम दोनों अच्छे दोस्त थे। मैंने लड़ाई में जिस मेगाट्रॉन का साथ दिया वो तो सालों पहले तभी मर गया जब उसने डिसेप्टिकॉन बनने की राह चुनी। फिलहाल डिसेप्टिकॉन्स बौखला गए होंगे, लेकिन अब उनके पास एक नया लीडर है, और स्टारस्क्रीम भले ही मेगाट्रॉन जितना काबिल ना हो, उससे कहीं ज्यादा शातिर जरूर है। डिसेप्टिकॉन्स आ गए हैं, हम पर हमला हुआ है। कोई अटैक नहीं हुआ है रैचेट। ये मेरा वोल्केनो है। मतलब था। हिलना मत बल्कहेड, जुपिटर पर रेड स्पॉट लगाना है। ओह नो, आखिर इस जगह पर ये सब हो क्या रहा है? हमें कल तक प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं। शायद ये प्रोजेक्ट बनाने में मदद करे। तुम एक मोटरसाइकिल वारसी, तुम्हें पता होना चाहिए मोटरसाइकिल का इंजन बनाते कैसे। तुम तो इंसान हो ना जैक, क्या तुम इंटेस्टाइन बना सकते हो? Well, तुम लोग कहीं और जाकर अपने प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं बनाते? यहाँ गंदगी मत फैलाओ। पर साइंस फेयर में हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। हाँ, और अगर बल्कहेड ने सोलर सिस्टम बनाने में मेरी मदद नहीं की तो? जैसे कि बल्कहेड सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानता है, और बम्बल भी वोल्केनो के बारे में। हाँ, और आरसी मोटरसाइकिल के बारे में। बिल्कुल सही, हम इंसान नहीं है और ना ही हम साइंटिस्ट हैं। लेकिन ऑटोबॉट्स इनके रखवाले जरूर हैं रैचेट, अगर बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट में मदद करने से हम भी कुछ सीख लें तो इसमें हर्ज क्या है? हाँ ठीक है, मगर इन बच्चों को भी तो साइबरट्रॉन के बारे में कुछ सीखना चाहिए। उस महान युद्ध के दौरान ढेर सारा एनर्जॉन यही इन चट्टानों में छिपा दिया गया था, जिसके रखवाले के लिए मास्टर ने साइबरट्रॉन के महान योद्धा को भेजा था। वो सालों से यहाँ पर अगले आदेश का खामोशी से इंतजार कर रहा है।
कितनी अजीब बात है ना, सारी जिंदगी मेगाट्रॉन स्पेस में योद्धाओं को ढूंढते रहे जबकि वो उनके कदमों के नीचे ही थे। क्या कहा तुमने, उसका सिग्नल तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा, वो यही कहीं होगा। अपने सेंसर्स का पावर बढ़ा दो। वहां पर सच में बम्बलबी, फिर असली योद्धा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? लेकिन मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा है, तुम कमाल हो। मैं तुमसे सहमत हूँ रैफ, लेकिन ऑटोबॉट की जिंदगी इंसानों के मुकाबले काफी लंबी होती है। तुम्हें यकीन नहीं होगा पर नन्हे बम्बलबी को अभी बहुत कुछ सीखना है। एनर्जॉन सिग्नल, कोई उसे ले जा रहा है। और अगर हम नहीं ले जा रहे तो फिर कौन हो सकता है? डिसेप्टिकॉन्स, बिना मेगाट्रॉन के। बदकिस्मती से मेगाट्रॉन की विरासत को संभालने के लिए कोई ना कोई वारिस जरूर होगा। ऑटोबॉट्स, तुम बच्चों के प्रोजेक्ट्स पूरे करो। रैचेट, तुम मेरे साथ चलो। साइंस फेयर में इनके मार्क्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, अगर मैं यहीं रुककर इनकी मदद करूं तो अच्छा होगा ऑप्टिमस। ठीक है बम्बलबी, चलो पता लगाएं किसको एनर्जॉन की जरूरत पड़ गई। बहुत बढ़िया साउंड वेव क्यूब दो। एनर्जॉन समा रहा है, काम बन जाएगा। नहीं बम्बल भी, ऐसा नहीं है। जब तक मैं ना कहूं यहीं पर रुके रहो। जागो योद्धा, उठो और अपने नए मास्टर की सेवा करो। स्काईक्वेक का सिर्फ एक ही मालिक है। बहुत खूब, तुम्हारी लगन और वफादारी मेरी फौज के लिए मिसाल बन सकती है। अब शर्माओ मत स्काईक्वेक, झुक कर सलाम करो। शायद तुम मेरी बात समझे नहीं, मैं यहाँ एक मिशन पर आया हूँ जिसे मेरे इकलौते मालिक ने दिया था, मेगाट्रॉन। हाँ वो, पर अफसोस अब मेगाट्रॉन हमारे बीच नहीं रहे। नामुमकिन, किसी को भी मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं होता? स्काईक्विक, मैंने तुम्हें ढूंढा, मैंने तुम्हें जगाया, इसीलिए मैं लॉर्ड स्टारस्क्रीम तुम्हारा नया मास्टर हूँ। काफी दिनों बाद दिखे स्काईक्विक। ऑप्टिमस प्राइम, चितनहर की लड़ाई के बाद आज मुलाकात हुई, तब मेगाट्रॉन ने मुझे तुम्हें खत्म करने का आदेश दिया था। उस बात को काफी साल गुजर चुके हैं। वक्त गुजर गया ऑप्टिमस प्राइम, लेकिन मुझे दिया आदेश नहीं बदला। क्या तुम अब भी उस प्राचीन लड़ाई को जारी रखना चाहते हो जिसमें हमारे कई साथी मारे गए और कई प्लैनेट्स बर्बाद हो गए? अगर तुम एक सच्चे लीडर बनना चाहते हो स्टारस्क्रीम, तो मेगाट्रॉन के नक्शे कदम पर मत चलो और डिसेप्टिकॉन्स को सही रास्ता दिखाओ। मुझे शांति बनाए रखने में कोई एतराज नहीं होगा अगर तुम मुझे झुककर सलाम करो ऑप्टिमस प्राइम। वही बात, तुम्हारी कमर ही तोड़ देता हूँ। स्काईक्वेक, ये एक अलग दुनिया है, नया जमाना है। ऑटोबॉट्स का साथ दो और दुश्मनी को खत्म करने में मदद करो। मैं एक प्राइम का साथ कभी नहीं दूंगा। जब मेरे पास स्काईक्वेक है तो मैं शांति क्यों चाहूंगा? उसे थोड़ी तमीज सिखानी होगी, फिर वो भी अपने नए मास्टर की इज्जत करेगा। और जब डिसेप्टिकॉन्स को पता चलेगा कि स्काईक्वेक ने ऑप्टिमस को मेरी निगरानी में मारा,
तो सब अपने आप मेरे सामने झुक जाएंगे। बम्बलबी, नहीं! हर एक पल को अपने अंदर कैद कर लो साउंड वेव। ऑप्टिमस प्राइम के खात्मे के इस ऐतिहासिक पल को दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत पड़ सकती है। स्काईक्वेक के पास अब तक व्हीकल मोड नहीं है बम्बलबी। रोल आउट। बदलते वक्त ने तुम्हें बुजदिल बना दिया है प्राइम। देखता हूँ कहाँ पर है। ये क्या है? जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन रैचेट, मुझे ये काम खुद करना चाहिए था ना? छूना मत, बस देखो और सीखो। तो हम जाकर जैक और मीको के प्रोजेक्ट में मदद करते हैं। क्या मेरी देखरेख के बिना तुम चाहते हो ना कि सब काम ठीक से हो? तो बस उस्ताद को देखकर सीखो। कितना ड्रामेबाज है। वो कहीं नजर नहीं आ रहा। साउंड वेव, तुम उन्हें ट्रैक क्यों नहीं कर रहे? क्या हुआ, क्या बात है? एक और डिसेप्टिकॉन का सिग्नल, लेकिन यहां तो सिर्फ स्काईक्वेक को ही दफनाया गया था। उसी जगह पर तो स्पेस ब्रिज बर्बाद हुआ था। तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है ना कि ये सिग्नल मेगाट्रॉन का है? लेकिन वो मेरी आंखों के सामने खत्म हुए थे। उस धमाके से बच पाना नामुमकिन है। तुम्हारी सेंसर्स में कुछ खराबी है। भूल जाओ इसे, कोऑर्डिनेट्स डिलीट कर दो। अरे ये मैं क्या कह रहा हूँ, हम इसके बारे में छानबीन करेंगे। अगर लॉर्ड मेगाट्रॉन वहाँ है तो मैं खुद उन्हें वहाँ से वापस लाऊंगा। तुम यहाँ की लड़ाई का अंजाम देखो। मैं स्काईक्वेक को प्राइम को मिटाते हुए अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। आंखों से देखना चाहूंगा। टैंगो 6 अल्फा 2 सेंट्रल कमांड, हमें किसी अनजानी टेक्नोलॉजी से बनी चीज के सिग्नल मिल रहे हैं जो खतरनाक हो सकती है। हम जांच पड़ताल करने जा रहे हैं। रुक जाओ टैंगो 6 अल्फा, मैं स्पेशल एजेंट फाउलर हूँ और मैं जांच करता हूँ। तुम कोई रिपोर्ट मत बनाना और मुझे उस जगह के कोऑर्डिनेट्स भेजो। मैं पता करता हूँ बात क्या है। मैं चींटियों का शिकार नहीं करता, पर तुम्हें मसलना ही होगा। बढ़िया चाल चली बम्बलबी। स्काईक्वेक, तुम ऐसे नहीं मानोगे। फाउलर, एजेंट फाउलर, वापस चले जाओ। ये क्या, प्लेन का जुड़वा प्लेन? अब मुझे छू कर दिखाओ। दिखा।
मैं अपनी आंखों के सामने मिलिट्री एयरक्राफ्ट की पायरेसी होते हरगिज नहीं देख सकता। मिसाइल से हमला, मैं भी कम नहीं। मुझे लगा ही था कोई उस धमाके से नहीं बच सकता। साउंड वेव के सेंसर्स खराब हो चुके होंगे। मेगाट्रॉन के जिंदा होने की अफवाह से भी मुझे चिढ़ है। ये कैसे हो सकता है? डार्क एनर्जॉन, हर कोई समझता है तुम नहीं रहे, तो मैं उन सब का दिल क्यों तोड़ू मास्टर? जिंदा मत होना। साउंड वेव, अगर तुम सुन रहे हो, मुझे लॉर्ड मेगाट्रॉन मिल गए हैं और इनकी हालत खराब है। हमें इलाज के लिए इन्हें ट्रांसपोर्ट करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। फाउलर, हमें फौरन मदद की जरूरत है। तुम घबराओ मत दोस्त, मदद बस पहुंचने वाली है। लैंडिंग तो सीख लेते। अगर स्काईक्विक अपने मालिक के बताए गलत रास्ते पर नहीं चलता तो आज उसका ये हश्र ना होता। बम्बलबी, अपनी जिंदगी को इस तरह दांव पर लगाना कोई समझदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने बहादुरी से काम लिया। तुम लोग आ गए। तो कैसा लगा उन्हें मेरा यानी हमारा प्रोजेक्ट, बताओ? वो मिस नैकेडाई, ये कौन सा प्लैनेट है? साइबरट्रॉन। ये बड़ा तो है मिस्टर डाबी, लेकिन ये कुछ काम भी करता है। पूछने से डर लग रहा है, पर क्या ये एक्टिव है? अगर तुम हमारे प्लेनेट पर होते तो तुम्हें बड़े से बड़ा इनाम दिया जाता। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, शुक्रिया तक नहीं बोलते। बिल्कुल बम्बलबी, हमारे इंसानी दोस्त और रैचेट की दोस्ती में काफी वक्त लगेगा।
हमारी फौज मेगाट्रॉन को कामयाबी से वापस लाने की खबर सुनकर बहुत ही खुश हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ हमारे मास्टर जल्द ही ठीक हो जाए।